तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंट में चल रहे आईपीओ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईपीओ एंड ट्रैक्शन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड लिस्टिंग गेन के बारे में। साथ ही ट्रैक्शन आईपीओ का आज लास्ट दिन होने वाला है, तो हम इसमें आपको बताएंगे कि क्या हमारा इसमें फाइनल डिसीजन रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी 30 से 32 रुपये पे ही लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एक लॉट के हिसाब से देखें तो हमें 7500 से लेके 8000 तक के एक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं, इतनी मिलने की उम्मीद लग रही है। तो अभी के हिसाब से अगर परसेंटेज में देखें तो ये 50% के आसपास के लिस्टिंग गेन हमें शो कर रहा है, तो इसमें अभी भी हम काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन इसे मान सकते हैं। तो इसका अलॉटमेंट की बात करें तो वो आज ही के दिन आने वाला है, तो आज लेट इवनिंग में या फिर कल दोपहर तक आ जाएगा। तो इसकी चेक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बात करें अगर अगले आईपीओ के बारे में, तो इसका आज आखिरी दिन होने वाला है। एंड अगर दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे QIBs ने अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन दिखाया नहीं है, तो NIH ने केवल 0.25 टाइम ही सब्सक्राइब किया है, यानी कि 25% ही कोटा भरा हुआ है। तो वहीं रिटेल कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 2.60 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने की उम्मीद आगे भी और है, क्योंकि ये आईपीओ का पोर्शन जो है वो छोटा रखा गया है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो वो केवल 50% ही भरा है, यानी कि 0.54 टाइम्स ही सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आईपीओ की इफेक्ट भी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे अभी भी ये क्लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसके चलते भी ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसमें अभी भी कोई ट्रेड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये काफ़ी बुरी बात है इस आईपीओ के लिए। तो अब अगर बात करें कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो हमारा डिसीजन ये रहेगा कि हम इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तो फिर आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो, शायद इसमें छोटे आईपीओ का फ़ायदा आगे जाके मिल जाए, लेकिन अभी के हिसाब से हम तो इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही बता दें कि हमने अपकमिंग आईपीओ का एक वीडियो भी डाल दिया है, जिसमें आने वाले टाइम में एक और आईपीओ आपको देखने को मिलने वाला है, तो वो वीडियो आप राइट साइड क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।